Good morning, dear students. Welcome to IIT University Gwalior. मैं राजकुमार चौरसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर IIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे अपने घर पर. अभी हम COVID-19 के महामारी के प्रकोप के साथ में चल रहे हैं. इसके चलते ITM यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा है. LMS के माध्यम से आप लोगों की क्लासेस बाय वीडियो, PPT और वेबिनार के द्वारा आप लोगों की क्लासेस चलाई जा रही, जिससे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्टूडेंट का नुकसान ना हो सके. और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स घर पर सुरक्षित होंगे. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेवेंथ सेम BSc एग्रीकल्चर, सेवेंथ सेम फोर्थ ईयर, जो कि फाइनल ईयर है आप लोगों का. रावे 411 क्रॉप प्रोडक्शन टाइटल. आज हम जिस की चर्चा करने वाले जिस टॉपिक पे, वो है व्हाट इज रावी, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रावी. मैं राजकुमार जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर IIT यूनिवर्सिटी ग्वालियर, स्वागत करता हूँ मैं सब आप सब लोगों को. तो आज हम जानेंगे कि रावी क्या होता है. आखिरकार हम फाइनल ईयर के स्टूडेंटों को रावी के लिए क्यों भेजा जाता है गाँव में, और इस ट्रेनिंग का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, हमारी लाइफ में, एग्रीकल्चर की स्टूडेंटों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इसके, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है रावे के, जानेंगे हम. रावे एक्चुअली में हमारे एक फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए प्रोग्राम रखा जाता है फाइनल सेवन सेम में, वो हमारे किसानों से मिलने के लिए, उनसे हम इंडिविजुअली मिल सकें, किसानों के साथ में हम अपना समय व्यतीत कर सकें, और किसानों की आर्थिक स्थिति को समझें, किसान किस तरह अपने गांव में किस तरह अपनी खेती कर रहे हैं उनको समझें. क्योंकि आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है. हमने 4 साल में जाना है किस प्रकार से खेती की जाती है साइंटिफिक तरीके से, और एक नॉर्मल गांव का किसान साइंटिफिक तरीके से खेती कर ना करके अपनी पुरानी परंपरा के अंदर वो अपनी खेती करता है. हमें जानना है कि हमारे हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज हमारे कौन कौन सी नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही हैं, और किसान किस प्रकार से खेती कर रहे हैं. तो हमें बदलते युग के साथ में कुछ नई नई चीज़ों को जानने की ज़रूरत है, जैसे कि टेक्नोलॉजी कौन कौन से मेथड्स हैं उनको समझना, इन सब चीज़ों का किसानों को समझाना, और किसानों के साथ रहना, और किसानों के साथ योजनाएं बनाना, जिससे हम किसानों की लाइफ को किस प्रकार से हम बढ़ा सकते हैं, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, इन सब बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है. अगर हम बात करें, अभी COVID-19 का प्रकोप चल रहा है, इसके तहत हम गांव में नहीं जा पा रहे हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन आप लोगों को एक किसान एक गांव से आपको 2 किसान रैंडमली चूज करने हैं, जैसा कि आपको बताया गया है, और आपको ईमानदारी के साथ में उनके साथ में जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं किसानों के साथ,
हम उस तरह से हमें किसानों के साथ कार्य करना है, उनसे मिलना है और उनकी जानकारी हमें रखनी है कि किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं। चलते हैं हम सबसे पहले कि रावी होता क्या, व्हाट इज रावी, समझेंगे हम सबसे पहले। अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, रावी ये क्या होता है, रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस, जो कि हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंटों के लिए प्रोग्राम रखा जाता है। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस इज ए प्रोग्राम ऑफ इम्पार्ट क्वालिटी प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर टीचर। हम समझेंगे इसको, रावे एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए जो हमें एग्रीकल्चर में डिग्री प्राप्त की करने जा रहे हैं, उसके लिए गुणवत्ता, हमारी व्यवहारिक गुणवत्ता और उत्पादन उन्मूल प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एजुकेशन प्रदान करने का एक कार्यक्रम है, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यवहारिक गुणवत्ता और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर। इसके अलावा एग्रीकल्चरल सेकंड पॉइंट हमारा एग्रीकल्चरल एजुकेशन इज डायनेमिक वन विच इज अंडरगोइंग चेंज इन ए वेरी रैपिड मैनर टू मीट द नीड ऑफ सोसाइटी। अगर हम बात करें, कृषि शिक्षा एक गतिशील है जो समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से बदलाव के दौर से गुजरती है। अगर हम बात करें कि बदलाव जो समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से बदलाव से गुजर रही है, किस प्रकार से, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज हमारी जो जनसंख्या है वो काफी अधिक हो चुकी है। हम पुरानी पद्धतियों का उपयोग करेंगे तो हम बेटर प्रोडक्शन नहीं प्राप्त कर सके। हमारे पास जमीन कम है, जमीन तो बढ़ नहीं रही पर पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन को बढ़ती हुई आबादी को मैं देखते हुए हमें कम क्षेत्र में हमें हायर प्रोडक्टिविटी प्राप्त करना है, प्रत्येक हेक्टेयर हमें उत्पादन अधिक प्राप्त करना है, उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी, विभिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंट्स, विभिन्न प्रकार के मेथड्स का उपयोग करना है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर हम हॉर्टिकल्चर की बात करें कि हॉर्टिकल्चर में हम किस प्रकार से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अगर हम बात करें कि जनरली अगर हम मैंगो की अगर बात करें तो जनरली जो हमारा लगाने की जो मेथड है हमारी मैंगो की, वो हमारा 10x10 मीटर में हम लगाते हैं नॉर्मल वैरायटी, और उसमें प्रोडक्शन कम और नंबर ऑफ प्लांट्स पर एरिया में हमारे कम रखते हैं। इसकी अपेक्षा अगर हम बात करें हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, HDP, इसके तहत नॉर्मल जो हम लगाते हैं वो 10x10 मीटर में हम लगाते हैं मैंगो के प्लांट को। इसी प्रकार से हम बात करें HDP में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत उसको हम 2.5x2.5 मीटर हम उसको उस पौधे को रखा, तो नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो हमें बदलते दौर के साथ में हमें विभिन्न प्रकार की मेथड्स, टेक्नोलॉजी और इम्प्लीमेंट्स का यूज करना है। थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, अंडर दिस सिचुएशन रूरल एग्रीकल्चरल वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम रावे इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम एक्टिविटी प्रोविजन। अगर हम बात करें कि ग्रामीण कृषि का अनुभव जो हमारा रावे का जो प्रोग्राम है एक महत्वपूर्ण क्षमता और आत्मविश्वास निर्माण करने का कार्यक्रम की गतिविधि है। इस स्थिति के तहत अंडर
काबे इज एन इम्पोर्टेंट कंपनीज एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम एक्टिविटी एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इफेक्टिव वर्क एक्सपीरियंस प्लानिंग स्ट्रेटजी इनकॉर्पोरेटिंग रूरल एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट लर्निंग अप्रोचेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट ऑफ द लास्ट ईयर टू एंगेज इन फील्ड वर्क एक्टिविटी टू रिव्यू एंड एंजॉय critically this work experience activity and to draw some useful conclusions decisions from this analysis and apply the result in actual practical life and field situation. अगर हम बात करें कि हमारे किस प्रकार से हमारे जो फाइनल ईयर जो छात्र है उनके लिए किस प्रकार से अवसर प्रदान किया जाता है, क्या करना है, हमें किसानों के साथ में मिलकर उनसे कार्य करना है, इसके साथ में हमें एनालिसिस करनी है, विभिन्न प्रकार की रणनीतियाँ बनाना है, और इसके अलावा हम ग्रामीण कार्य को अनुभात्मक अधिगम की दृष्टि से कि कौन की दृष्टि से हम प्रभावी कार्य को हम किस प्रकार से ट्रेनिंग के थ्रू किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, इस प्रकार से हमें वहाँ पे विभिन्न प्रकार के डिसीजन लेना है और उनको एनालिसिस करने के लिए हमें भेजा जाता है फाइनल ईयर के स्टूडेंट को। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। रावे की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड लाइफ सिचुएशंस इन द विलेज रूरल इंस्टीट्यूट्स सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन एंड कंसर्न्स फेस्ड बाय फार्मिंग। छात्रों को गांव ग्रामीण संस्थानों सामाजिक आर्थिक स्थितियों और किसान समुदाय के सामने आने वाली बाधाओं को समझने के लिए छात्रों को एक अवसर प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया था, जिससे छात्र समझ सके किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, क्या सिचुएशंस हैं वहाँ की। इसके अलावा टू गेट द स्टूडेंट फैमिलियर विद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द फार्मर एंड देयर प्रॉब्लम विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को और उनके विकास के संदर्भ में समस्याओं को छात्रों को समझना, छात्र समझ सके उनकी प्रॉब्लम्स को, उनके साथ में फैमिलियर व्यवहार करें। जब तक किसान को अपनी फैमिली की तरह नहीं मानेंगे तब तक और उनकी कंडीशन को नहीं समझेंगे तब तक उनसे प्रॉपरली जो भी डाटा है, जो भी परेशानियां हैं, क्या क्या बाधाएं एग्रीकल्चर में आती हैं, उन सबको समझना एक काफ़ी मुश्किल है। अति आवश्यक है स्टूडेंट्स को किसानों के साथ में फैमिलियर व्यवहार करें, उनके साथ रहें और उनकी प्रॉब्लम्स को समझें। टू इम्पैक्ट डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल प्रैक्टिक ट्रेनिंग एंड स्किल इन क्रॉप प्रोडक्शन हॉर्टिकल्चर प्लांट प्रोडक्शन थ्रू कार्य अनुभव के माध्यम से फसल उत्पादन हॉर्टिकल्चर और प्लांट प्रोडक्शन का हमें क्या करना है, हमें इम्पैक्ट डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। स्किल्स कार्य अनुभव के माध्यम से हमें उनको समझना है व्यवहारिक प्रैक्टिकल्स के रूप में
रिसर्चर के द्वारा और कौशल प्रदान कर। टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बीइंग फॉलोड बाय फार्मर एंड टू प्रिपेयर अल्टरनेट फार्म प्लान अकॉर्डिंग टू द लोकल सिचुएशन इन कंसल्टेशन विद फार्मर। किसानों के परामर्श से कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में संरक्षित करना और किसानों के परामर्श से स्थानीय स्थिति के अनुसार वैकल्पिक कृषि योजना तैयार करना। जब तक हम किसानों के साथ में परामर्श नहीं करेंगे, उसे विचार विमर्श नहीं करेंगे, उनके साथ कांटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि वहाँ की सिचुएशन को समझना और किसी प्रकार की कार्य योजना बनाना कि हम किस प्रकार से कृषि योजना तैयार करें उनके लिए, कि हम किस प्रकार से उनके लिए कार्य करें। तो उनके साथ में कार्य करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, विभिन्न प्रकार की आने वाली बाधाओं को समझकर रूपरेखा तैयार करना है, ये अति आवश्यक है। टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू एक्वाइंट विद ऑनगोइंग ट्रस्ट ऑन रूरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू फार्मर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड एस्पेक्ट्स। 6.8 टू प्रोवाइड एन अपॉइंटेड टू वर्क केवी की रिसर्च स्टेशन एंड एग्रो हॉटी वेस्ट इंडस्ट्री 7.4 टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस among the student interact with the farmers who are in their project report on village development plan। अगर बात करें तो हर the student to aspire with ongoing trust on rural development programs related to transport technology program related to agriculture and allied as कृषि और जो संबंधित पहलुओं को मैं संबंधित प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के संबंधित ग्रामीण विकास प्रोग्राम पर जोर देने के साथ साथ छात्रों को परिचित कराने में मदद करने के लिए हमें अति आवश्यक है। टू प्रोवाइड एन अपॉइंटेड टू वर्क विद केवीके स्टेशन और एग्रो हॉर्टिकल्चर के पर आधारित उद्योग है, ये साथ काम करने का अवसर प्रदान करना स्टूडेंट्स। टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होता स्किल कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद द फार्मर सो एज द प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन द विलेज डेवलपमेंट प्लान। किसानों के साथ बातचीत करने के लिए छात्रों के बीच संचार कौशल आत्मविश्वास और क्षमता विकसित करने के लिए ताकि ग्राम विकास योजना पर परियोजना पर रिपोर्ट तैयार किया जा सके। जब तक किसान और छात्रों के बीच में जब तक उनके साथ में बातचीत नहीं होगी तो किसी भी प्रकार की कार्य करने के लिए हम कार्य नहीं कर सकते। आत्मविश्वास होना चाहिए उनके लिए। प्रिंसिपल ऑफ रावे के बारे में बात करें, कौन कौन से हमारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके तहत हमें कार्य कर रावे के प्रिंसिपल्स हैं वह लोगों के पास जाओ और उनके साथ रहो, गो टू द पीपल एंड लाइव विद देम, लोगों के पास जाओ और उनके साथ लर्न फ्रॉम देम एंड सर्व देम, उनसे सीखें और उनकी सेवा करें, वर्क एंड प्लान विद देम, उनके साथ काम करें और योजना बनाएं, स्टार्ट विद व्हाट दे नाउ, हमें वहां से शुरू करना चाहिए जो वो जानते हैं। उनके साथ अगर कार्य करना है आपको तो उन वहां से शुरुआत करें जहां से वो जानते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं हमारे, गो टू द पीपल एंड लाइव विद देम, लर्न फ्रॉम देम एंड सर्व देम, वर्क एंड प्लान विद देम, स्टार्ट विद व्हाट नाउ, ये
अति आवश्यक है कि हमें किसानों के साथ में रहना, उनके पास रहना है, उनसे बातचीत करना है, उनसे सीखना है, उनके साथ काम करना है, योजनाएं बनाना है, और जहाँ से किसान जानता है वहाँ से शुरुआत करें, उनको बताना। एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ रावी प्रोग्राम, एक्सपेक्टेड आउटकम रावी प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा पर्सनल डेवलपमेंट होता है, नेतृत्व का विकास होता है। जब हम कार्य करते हैं रावी में तो काफ़ी लोगों के साथ में, किसानों के साथ में ग्रुप डिस्कशन के थ्रू हम बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी बात सुनते हैं और अपनी बात कहते हैं। इस प्रकार से हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। थर्ड है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, डेवलप स्किल ऑफ जॉइंट एफर्ट, डेवलपिंग आर्ट ऑफ क्रिएटिव क्रिएटिव थिंकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, लाइफ रियल एक्सपीरियंस में प्राप्त होता है कि हमें किस प्रकार से किसानों के साथ में जब हम रहते हैं तो किसानों के जीवन की तरह जीने का मौका मिलता है। टाइम एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ऑब्जर्व प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग लोकल एंड साइंटिफिक मेथड्स, वर्किंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या है, हमें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, इसके साथ में ऑब्जर्व प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिसिंग नॉलेज, वर्किंग ऑफ लोकल इंस्टीट्यूट। जीवन के वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है समय का प्रबंधन और समय का मैनेजमेंट का पता चलता है, समस्या और संबंधित समाधान का निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा हमारा क्या है, स्थानीय संस्था या संगठन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने समझा वीडियो के द्वारा कि रावी हमारे एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए, फाइनल ईयर के छात्रों के लिए क्यों आवश्यक है, जो गांव में हमें 6 महीने के लिए रहने के लिए ट्रेनिंग के रूप में कार्य करना है किसानों के साथ, वहां उनके साथ में कार्य करके उनके लाइफ का एक्सपीरियंस, विभिन्न प्रकार की आने वाली समस्याओं को समझना, आने वाली कठिनाइयाँ, कौन कौन सी परेशानियाँ और उनके साथ सीखने का मौका मिलता है जो वो अपनी लाइफ में सीखते हैं। आपके द्वारा जो सीखी गई 4 साल में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी पद्धतियाँ, विभिन्न प्रकार के इम्प्लीमेंट का यूज किस प्रकार से कार्य करना है, इन सब को आपको शेयर करना है किसानों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, और इसके साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग घर में सुरक्षित हों। धन्यवाद।